हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्वास्थ्य में। और अभी काफ़ी जो है यहाँ पे भक्ति वाला माहौल चल रहा है थोड़ा, ठीक है? तो रामायण पाठ हो रहा है मैं लग रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन में कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ बरसाना, ठीक है, राधे रानी निवास बरसाना। तो अभी मेरे पीछे वो मकान है जहाँ पे भूमि पेडनेकर जी का घर बनाया जाता है टॉयलेट मूवी में, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी चलते हैं, यहाँ पे परमिशन ले लेते हैं। उससे पहले दिखाते हैं बाहर के भी एक दो सीन, यहाँ के गेट के थे जब वो साइकिल लेके अंदर जाती हैं, छकुमार जी पीछा करके आते हैं, तो वो सीन यहीं के थे। अभी देखते हैं बाहर से सीन को, दिखाते हैं और परमिशन लेते हैं। अगर अंदर का वीडियो बना दिया जाएगा तो अच्छी बात है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहला सीन कुछ यहाँ का है, क्योंकि नाइट का लिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ से भूमि एंट्री करती हैं गेट के अंदर, वो गेट यही था, ठीक है? अभी तो हम लोग दिन में देख रहे हैं, ये रात का सीन है। तो अभी दूसरे एंगल से भी दिखाते हैं दूसरा सीन कहाँ का था। अभी ये अक्षय कुमार जी जब साइकिल देने आते हैं भूमि जी को, तो पहले तो साइकिल अंदर दे के आ जाते हैं, फिर बाद में भूमि को देख कर फिर से वापस जाते हैं। तो देख सकते हैं इस एंगल से लिया गया था, पीछे वाला मकान भी आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है थोड़ा सा। और मैं थोड़ा इधर खड़ा हूँ दीवार से, तो आप लोग देख सकते हैं यही गेट था। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी हूँ मैं घर के अंदर और काफ़ी जो है मुश्किल के बाद जो यहाँ पे एंट्री मिली है, ठीक है? तो अभी सारे सीन जो थे वो यहाँ के थे, जो उनके घर के लिए गए थे भूमि के घर के, ठीक है? तो वो यहीं के थे। और आंटी जी काफ़ी भड़की हुई हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको कोई पैसा नहीं मिला इस मकान का। अब वो तो यही बताते हैं कि यहाँ पर कोई जो है पैसा मेरे को नहीं दिया गया है, मूवी शूट कर ली उन्होंने, ठीक है, और वो चले गए सामान उठा के। अब पता नहीं मिला कि नहीं मिला, पर ये वाला जो मकान है यही लिया गया था। अभी ये जो गेट था वो वहाँ से एंट्री ली थी मैंने, तो अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ। एक दो छत के सीन थे जहाँ पे वो खड़ी थी, और जो भूमि पेडनेकर जी का जो इसका रूम बनाया जाता है वो इसी के अंदर बनाया जाता है। और ये जो पेंट वगैरह है जो वो मूवी वालों ने कराई है, ठीक है? बाकी ये सीन रहा इसके घर के अंदर का, तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा सीन क्या है। तो एक सीन दोस्तों कुछ यहाँ का लिया गया था, आप लोग देख सकते हैं जहाँ से भूमि अंदर की तरफ एंट्री लेती हैं, ठीक है? तो ये सीन यहाँ का था, वो गेट आप लोग तो मैच ही कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, ये इधर थोड़ा सा रोल करते हैं कैमरे को। ये रहा वो घर जो मूवी में दिखाया गया है, और यहाँ ऊपर खड़ी रहती हैं भूमि जी, थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे खड़ी रहती हैं भूमि पेडनेकर जी, ठीक है? और इसी के नीचे अंदर रूम होगा, उसी में रूम बनाया गया था उनका, अभी मैंने पूछा है यहाँ पे, ठीक है? तो वो काफ़ी जो है भड़की हुई थी कि मूवी वालों ने कुछ नहीं दिया, अब क्या फ़ायदा यहाँ आने का, ये है वो है। तो मेरे को तो अपना काम निकालना था सिर्फ। तो अभी क्या है, ये दोबारा इसकी पेंट करवा रही हैं, तो अभी से तो ऐसा ही था, बट अभी क्या है वो लोग जो पेंट करके गए थे ग्रीन वाला, तो अभी निकलने लगा है, तो ये दोबारा आंटी जी करवा रही हैं। और अभी ये देख सकते हैं थोड़ा सा इधर शादी वादी का यहीं पर सिस्टम बनाया गया था, आंटी जी ने बताया है, तो शादी का पूरा माहौल सब इधर ही बनाया गया था, इधर ही बैठ के वो सब लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक है? और यहीं से एंट्री से जो भी शादी के सीन है वो सब यहीं के लिए गए थे, और यही पूरा मकान था। आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं पीछे, ठीक है? और काफ़ी जो है बातचीत की है अभी हमने, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, बस थोड़े गुस्से टाइप से अंदाज में बताया, तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा वीडियो में लिया नहीं कुछ है। तो अभी वो रही आंटी जी, तो यही पूरा मकान था, शायद ये वाला टावर है, टावर ये वाला तो नहीं आया मूवी में, वो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वो वाला टावर मूवी में दिखाया गया है, ठीक है? तो अभी काफ़ी जो है पतझड़ है, तो थोड़ा सीन ये था मकान का। तो इधर खड़ी है गाड़ी, तो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा यहाँ का वीडियो बनेगा नहीं, तो जो जितना भी है सारा मैं दिखा दिया आप लोगों को, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी जो है ग्राउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अभी क्या है ये लास्ट वीडियो मेरा यहाँ का था, तो इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से मथुरा, और वहाँ भी अगर कोई शूटिंग लोकेशन मेरे को मिलती है तो मैं वो बना के डालूँगा। एक बार फिर से पूरा घर देख लिए व्यू, और ये रहा वो गेट, तो धीरे धीरे चलता हूँ मैं बाहर की तरफ। और ये रही वो गली, जिस गली में गाड़ी से पीछा करते हुए आते हैं और इस गेट में इंटर करते हैं, ठीक है? तो एक बार फिर से वो नज़ारा पूरा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ नज़ारा है, और मूवी में ये घर भी आया है, आप लोग देख सकते हैं, ये घर भी सामने वाला मूवी में आया हुआ है, इस गेट के साथ ही में आ गया है ये, ठीक है? तो अभी दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा आंटी जी नाराज़ थी मूवी वालों पे, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है यहाँ का, वह सब वो बताती हैं, मेरे को तो पता नहीं, कन्फर्म नहीं कि वो दिया है उन्होंने कि नहीं दिया है, पर भड़की थी काफ़ी कि कई बार लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वीडियो बनाते हैं और क्या फ़ायदा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लग रही थी वो,
तो अभी दूसरी जो आंटी जी थी वो कह रही थी नहीं आप बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सीन था, यही घर था, वो अभी काफ़ी जो है बदलने वाला है, ये शायद पहचान में भी ना आ जाए जो कलर का दूसरा हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को रेड बटन दिया होगा सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग। ठीक है, और वीडियो को शेयर तो आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है, 20-30-50 व्यूज़ आ जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ कि उतने लोग तो देखते हैं, भले शेयर करने पर देखते तो हैं। तो अभी क्या है, वीडियो को यहीं पर करते हैं इन, और चलते हैं मथुरा, फिर मथुरा से आगरा, फिर जो देखते हैं आगे वीडियो आने वाले होंगे वो आप लोगों को बारी बारी से दिखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।